रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में आज दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएचडी की 80 डिग्रियों सहित करीबन 700 डिग्रियां एवं 215 गोल्ड मेडल छात्र छात्राओं को दिए गए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी बच्चों को बधाई देने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। आईजीयू में पहुंचे राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी मातृभाषा पर ज्यादा जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब नौकरी के अवसर के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। आज मैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में जो द्वितीय स्नातकोत्सव हुआ उसमें भाग लिया, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ही नवाचार से और शोध से नए नए जितने भी जो फैकल्टी है वो फैकल्टी को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ के वाइस चांसलर और उनके टीम को पहले बधाई देना चाहता हूँ। न्यू एजुकेशन और मुझे खुशी भी है कि जो हमारा नई शिक्षा नीति 2020 जो बनाई गई है वो जो है देश के लिए युवा के लिए एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर बनेगा। इसलिए ये रोजगार उन्मुख है, नवाचार है, शोध है और सांकेतिक परिज्ञान है और विश्व में जहाँ भी हम आगे जाने के लिए डिजिटल मोड में जाने के लिए भी इसमें जो है काफ़ी नवाचार लगाया गया है। तो इसलिए इसमें हमारी मातृभाषा में पढ़वाने का जो पहली बार आज़ादी के 75 वर्ष के बाद अपनी मातृभाषा में MBBS BTech भी पढ़ने का जो सोच इसमें दिया गया है ये बहुत ही जो है हर्षणीय है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब और पिछड़े हुए बच्चे लड़के लड़कियां रहते हैं वो बहुत आगे आ सकते हैं और इतना ही नहीं मुझे खुशी है आज जो मैंने स्वर्ण पदक दिया हूँ उसमें लड़कियाँ बहुत आगे हैं और लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए।